तेरे हैं। होठों से छू लो मेरा गीत अमर। इस अभिनेता ने फिल्मी पर्दे से लेकर राजनीति तक अपनी प्रतिभा के दम पर एक अलग मुकाम हासिल किया। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम तेरे नाम। एक जमाने में दर्शक उनकी दमदार एक्टिंग के कायल थे। उन्हें लीड रोल के अलावा नेगेटिव कैरेक्टर से भी काफी लोकप्रियता मिली। अस्सी के दशक में फिल्मों में अपने अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों पर राज किया। नुक्कड़ नाटक और थिएटर से अपना सफर शुरू करते हुए फिल्मों में नाम कमाया और फिर राजनीतिक पारी शुरू की। मैं बात कर रही हूँ इंसाफ का तराजू, निकाह, उमराव जान और भीगी पलके जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय करने वाले राज बब्बर की, जिन्होंने दो बार शादियां की और अपनी पहली पत्नी से तलाक लिए बिना ही एक एक्ट्रेस संग घर बसा लिया था। यही नहीं, जब उनकी पत्नी की अकाल मौत हुई तो उसके बाद वह किसी और एक्ट्रेस के प्यार में पड़ गए। वह अपने खुद के बेटे को भी मनहूस मानते थे और उनका बेटा भी उनसे बचपन से ही बेइंतहा नफरत करता था। यही नहीं, माँ बाप के प्यार से महरूम उनके बेटे को 12 साल की उम्र में ही शराब, गांजा और ड्रग्स की ऐसी लत लगी कि उसका बचपन, जवानी और करियर सब तबाह हो गया। इस वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, बात करने जा रही हूँ 80 के दशक में सिनेमा की दुनिया पर राज करने वाले एक्टर राज बब्बर की, जो कि अपने फिल्मी करियर और निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में तो रहे ही, अब अपने राजनीतिक करियर को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं। दोस्तों, 23 जून 1952 को उत्तर प्रदेश के टुंडला में जन्मे राज बब्बर को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया। वहाँ उन्हें नादिरा जाहिर से प्यार हो गया था। दोनों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के छात्र थे। दोनों ने 1975 में शादी कर ली थी और नादिरा जहीर का नाम नादिरा बब्बर हो गया। शादी के बाद राज और नादिरा दिल्ली में ही रहते थे। फिर इनकी बेटी जूही बब्बर का जन्म हुआ तो राज की जिम्मेदारी बढ़ी। उन्होंने अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने का फैसला लिया और मुंबई चले आए। 1977 में फिल्म किस्सा कुर्सी का से राज बब्बर ने बॉलीवुड में डेब्यू किया और इसके बाद वह फिल्म इंसाफ का तराजू में नेगेटिव कैरेक्टर में नजर आए। यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, नहीं, नहीं। और इसी नेगेटिव कैरेक्टर से राज बब्बर को खूब पॉपुलैरिटी मिली। उसके बाद उन्होंने प्रेम गीत, निकाह, पीगी पलके, उमराव जान, अगर तुम ना होते, हकीकत, जिद्दी, दलाल जैसी शानदार फिल्मों में काम किया। बन जाओ मेरे, मेरे प्रीत अमर कर दे। उन्होंने न सिर्फ हिंदी बल्कि पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। जब वह साल 1982 में आई फिल्म भीगी पलकों की शूटिंग उड़ीसा के राउरकेला में कर रहे थे तो उनकी मुलाकात स्मिता पाटिल से हुई। इस फिल्म में दोनों ही कलाकार मुख्य भूमिकाओं में थे। इस मुलाकात के दौरान ही वह उसी वक्त स्मिता पाटिल पर फिदा हो गए थे। और दोनों लिव इन में रहने लगे थे। जब नादिरा को राज बब्बर और स्मिता पाटिल की प्रेम कहानी का पता चला तो वह अंदर से टूट गई थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला क्योंकि उनके दो बच्चे भी थे। इसके बाद नादिरा अपने बच्चों में और अपनी रंगमंच की दुनिया में बेहद व्यस्त हो गई। जब राज बब्बर और नादिरा अलग हो गए तो राज ने स्मिता से शादी करने की ठान ली। हालांकि यह बात आसान नहीं थी। राज अपनी तरफ से भले ही शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे, लेकिन स्मिता के परिवार वाले इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। राज बब्बर पहले से शादीशुदा थे और दो बच्चों के पिता भी थे, इसलिए स्मिता के घर वालों का कहना था कि वह अपनी बेटी का हाथ किसी भी शादीशुदा मर्द के हाथ में नहीं दे सकते। लेकिन स्मिता भी राज बब्बर से उतना ही प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने घर वालों की एक ना सुनी और राज बब्बर से शादी करने का फैसला कर लिया। शादी के बाद स्मिता गर्भवती हुई और 13 दिसंबर 1986 को उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम प्रतीक रखा गया। प्रसव के बाद उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई और इन्फेक्शन की वजह से स्मिता को एक के बाद एक उनके सारे अंग फेल होते चले गए। अपने बच्चे के जन्म के 15 दिन बाद ही मात्र 31 वर्ष की आयु में ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फिर नन्हे से प्रतीक की परवरिश उनकी नानी माँ ने की।
राज बब्बर स्मिता पाटिल से बेइंतहा प्यार करते थे और वह स्मिता पाटिल की मौत के गम से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वह अपने और स्मिता के बेटे प्रतीक को मनहूस मानते थे क्योंकि उनके जन्म के कारण ही स्मिता की मौत हुई थी। इसी दौरान उनकी रेखा से नज़दीकी बढ़ गई। दोनों ही गम में थे और इसी टूटे दिल की वजह से दोनों करीब आ गए। राज ने एक इंटरव्यू में रेखा संग अफेयर के बारे में बात की थी। इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कुछ परिस्थितियों के कारण हम एक हो गए थे। उस समय रेखा लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते से नाता तोड़ चुकी थी। हालांकि उनका अफेयर ज़्यादा गहरा नहीं था, लेकिन वे निश्चित रूप से सिर्फ दोस्त नहीं थे। वह रेखा के प्यार में तो थे, लेकिन उतना नहीं जितना वह स्मिता के साथ थे। खबरों के मुताबिक जब रेखा ने राज बब्बर के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। इससे रेखा बहुत टूट गई थी। उन्होंने उसी समय राज से रिश्ता तोड़ लिया था। इसके बाद कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई थीं कि फिल्म निर्माता हबीब नाडियाडवाला की धमकी के बाद राज बब्बर और रेखा का रिश्ता खत्म हुआ था। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। रेखा से अलग होने के बाद राज बब्बर एक बार फिर अपनी पहली पत्नी नादिरा और अपने दोनों बच्चों के पास लौट आए और नादिरा ने उन्हें फिर से अपना लिया। लेकिन राज और स्मिता के बेटे प्रतीक की परवरिश उनकी नानी माँ ने ही की। प्रतीक बब्बर अपने पापा राज बब्बर से बेइंतहा नफरत करने लगे। प्रतीक ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पिता के पास मेरे लिए वक्त नहीं था। सब लोग मुझे मेरी माँ की कामयाबी की कहानी सुनाते थे, लेकिन मुझे हमेशा से यही लगता था कि माँ मेरे साथ क्यों नहीं है। माँ तो दुनिया में नहीं रही, लेकिन पिता के पास मेरे लिए वक्त नहीं था। लिहाजा प्रतीक का बचपन बेहद मायूसी भरा रहा। ऐसे में प्रतीक को ड्रग्स की लत लग गई। जब प्रतीक ने ड्रग्स लेना शुरू किया था तो उस समय वह मात्र 12 साल के थे। प्रतीक को इससे छुटकारा दिलाने के लिए 19 साल की उम्र तक 2 बार रिहैब सेंटर भेजा गया था। उनकी चिंता में ही उनकी नानी की मौत हो गई। हालांकि समय के साथ प्रतीक बब्बर ने खुद को संभाला। अब तो वह अपनी फिटनेस और डाइट का खास ख्याल रखते हैं। प्रतीक ने 25 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा। उन्होंने कुछ फिल्मों में काम भी किया, लेकिन वो एक फ्लॉप स्टार किड के तौर पर जाने जाते हैं। राज बब्बर और नादिरा के बेटे आर्या बब्बर भी कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं, लेकिन राज बब्बर के दोनों ही बेटे बॉलीवुड की फिल्मों में अपनी वो पहचान नहीं बना पाए जितनी उनके पिता ने बनाई थी। राज बब्बर ने बॉलीवुड में करीब 12 साल गुजारने के बाद राजनीति में कदम रखा। 2004 में वो 14वें लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद चुने गए। 2006 में समाजवादी पार्टी से निलंबित होने के बाद उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। कांग्रेस के प्रवक्ता रह चुके राज बब्बर ने 2014 लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद से अपनी किस्मत पर फिर आजमाई, लेकिन इस बार जनता ने उन्हें नकार दिया। अभी हाल में लखनऊ की MP MLA कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 8,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। राज बब्बर को यह सज़ा 26 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने सुनाई है। कोर्ट के अनुसार राज बब्बर को सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट करने का दोषी ठहराया गया है। उस दौरान राज बब्बर सपा के प्रत्याशी थे। हालांकि इस मामले में उन्हें कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दे दी है। तो दोस्तों, राज बब्बर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास राज बब्बर से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।